हमारा देश इंफ्रास्ट्रक्चर और सेवा सुविधाओं के मामले में लगातार आगे बढ़ रहा है। लोग भी आधुनिक हो रहे हैं। आजकल हवाई यात्रा करने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी भी देखने को मिल रही है। ऐसे में अब आने वाले समय में देश में विमानों की कमी नहीं होने वाली है। हाल ही में एयर इंडिया ने रिकॉर्ड बनाते हुए इसी साल यानी कि साल 2023 में 470 नए विमानों का ऑर्डर किया था। एयर इंडिया के टाटा ग्रुप के पास चले जाने के बाद इंडिगो एयरलाइन को काफी कंपटीशन मिल रहा है। आने वाले समय में इंडिगो भी अपना काफी विस्तार करना चाहती है। इसके लिए उसने यह भारी भरकम ऑर्डर दिया। एयर इंडिया के बाद अब इंडिगो की तस्वीर भी बदलने वाली है। इंडिगो का भारतीय एविएशन मार्केट में काफी दबदबा है। भारत की सबसे बड़ी और बजट एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने अब एयर इंडिया को टक्कर देते हुए देश के इतिहास का सबसे बड़ा ऑर्डर दिया है। कंपनी ने बताया कि वह अपने बेड़े में 500 प्लेन को शामिल करेगी। ये एयरक्राफ्ट एयरबस नियो फैमिली के होंगे। इससे पहले एयर इंडिया ने भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा ऑर्डर दिया था। भारतीय बजट एयरलाइन इंडिगो ने यह घोषणा पेरिस में चल रहे एयर शो के दौरान की है। कंपनी ने कहा है कि नियो फैमिली इंजन वाले एयरक्राफ्ट का ऑर्डर देकर अपने बेड़े को जल्द ही बड़ा करने वाली है। कंपनी को इन एयरक्राफ्ट की सप्लाई 2030 से लेकर 2035 तक होगी। ऐसा नहीं है कि इंडिगो ने 500 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर देकर सिर्फ भारतीय एविएशन हिस्ट्री में रिकॉर्ड बनाया है, बल्कि कंपनी ने एयरबस के साथ भी अब तक का सबसे बड़ा करार किया है। यह सौदा कई महीनों की बातचीत के बाद पूरा हुआ है। इंडिगो ने अपने बयान में कहा है कि अभी एयरक्राफ्ट का इंजन फाइनल नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि यह A320 और A321 कैटेगरी वाले इंजन के मिक्स ऑर्डर होंगे। इस ऑर्डर को जल्द ही कंपनी की बोर्ड मीटिंग में मूल्यांकन किया जाएगा। इंडिगो के CEO पीटर एल्बर का कहना है कि इस ऑर्डर को कम प्राइस बेस पर खरीदा जा रहा है। इस पर करीब $55 अरब यानी कि करीब 4.5 लाख करोड़ रुपयों का खर्च आएगा। कंपनी ने इसके अलावा भी कई एयरक्राफ्ट के ऑर्डर दे रखे हैं। कंपनी का कहना है कि साल 2035 तक उसके पास 1000 और एयरक्राफ्ट जुड़ जाएंगे। अभी भारत में कुल उड़ानों में से 60% का संचालन अकेले इंडिगो ही करती है। इंडिगो के पास अभी 300 एयरक्राफ्ट हैं, जबकि अगले एक दशक के अंदर और भी ऑर्डर आने के बाद 480 एयरक्राफ्ट हो जाएंगे। इसी तरह अगले एक दशक में कुल 1000 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर पूरा हो जाएगा। कंपनी की रणनीतिक हिस्सेदारी में एयरबस के A320 कैटेगरी के एयरक्राफ्ट खास महत्व रखते हैं। इसको लेकर एयरबस के CEO पीटर एल्बर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि आगे बढ़ने के लिए यह केवल शुरुआत है। भारत की आर्थिक वृद्धि और भारत के विमान बाजार की वृद्धि के साथ ही सही समय पर हमें यह ऑर्डर मिला है। इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी की वीडियोस के लिए बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।